तुम्हें शहादत के एक बछर बीत जाए के बाद भी शहीद स्मारक पर कोनो प्रक्रिया शुरू नहीं हो है, जेखर ले शहीद के परिजन स्वयं के राशि ले बनवावत है शहीद स्मारक। नेता और राजनीतिक दल मन सिर्फ अंतिम संस्कार के दिन आके औपचारिकता पूरा कर भुला दिन शहादत। देखा वे रिपोर्ट। सीपत के वीर सपूत शहीद विनोद सिंह कौशिक के शहादत ला एक बछर बीत जाए के बाद भी शासन ग्रामवासी मन के मांग ला अभी तक पूरा नहीं करे है। शासन के उपेक्षा ले शहीद परिवार मायूस है। शहीद विनोद कौशिक 24 जनवरी 2018 के नारायणपुर के इरपानार जंगल में नक्सली मन ले लड़त शहीद हो गए रहीस। 25 जनवरी के ओखर अंतिम संस्कार गृह ग्राम सीपत में करे गईस। ग्रामीण मन के द्वारा मांग करे गए रहीस कि बालक हाई स्कूल के नाम ला शहीद के नाम में रखे, चौक में गेट और प्रतिमा स्थापित करे के संग दाह स्थल में स्मारक बनाए के मांग करे गए रहीस। जिला शासन 3-4 महीना में पूरा करे के आश्वासन दिए रहीस, जिला अभी तक पूरा नहीं करे गए है। हालांकि ओखर पत्नी जयश्री कौशिक ला अनुकंपा नियुक्ति दिए गए है। के बारे में कोई जानकारी है नहीं, कलेक्टर के पास आवेदन दिए हैं तो बोले कि हम लोग यहाँ से प्रोसेस कर देंगे करके, लेकिन उसके बाद तो अभी तक के कोई जानकारी नहीं हुआ है। और ये तो पहले जो बोला गया था कि महीने दो महीने में हम लोग उनके स्कूल का नामकरण और 15 दिन में मूर्ति या 2-3 महीने में, ये सब चीज़ अभी तक कोई अभी तक कोई प्रोसेस नहीं हुआ है। अभी मतलब साल भर बीत गया उसके बाद भी अभी तक उसमें कोई कार्यवाही अपने जानकारी में नहीं हुआ है। मांग के पूरा नहीं हो ले शहीद परिवार स्वयं के राशि ले दाह स्थल में स्मारक बनवावा थे। शहीद के छोटे भाई हा मांग ला लेके कलेक्टर के पास गए रहीस, जी हाँ अपर कलेक्टर हा प्रक्रिया कलेक्टर स्तर ले आगे बढ़ाए के बात कहीस, लेकिन प्रक्रिया शिक्षा मंत्रालय ले होए के बात कहे गईस। शासन कति ले शहीद परिवार के प्रति अवहेलना ले परिवार दुखी है। सीपत ले डिजिटल रिपोर्टर हिमांशु गुप्ता की रिपोर्ट।